हेल्दी इंडिया में हम आपको बताते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज हो उसको करने का सही तरीका क्या है। अगर आप कोई नाश्ता बना रहे हैं तो उसको आप फटाफट से कैसे बना सकते हैं और कम समय में आप हेल्दी डाइट कैसे ले सकते हैं। और रही बात योगा की और जिमिंग की, तो जब तक आप सही तरीके से बॉडी पोजिशनिंग नहीं करते हैं तब तक आपकी सारी एक्सरसाइजेस फेल है। और सही तरीके से एक्सरसाइज करने से आप इंजरीज से भी बचते हैं और साथ ही उसका सीधा असर आपके शरीर में होता है। तो मॉर्निंग में लोगों के पास क्योंकि नहीं तो टाइम कम रहता है और वजन भी कम करना है, ऐसे में लोग मोस्टली योगा ही प्रेफर करते हैं और सोचते हैं कि घर ही बैठे हम योगा कर ले। लेकिन आज योगासन में हम कौन सा योगा दिखाएंगे ये हमारी योगा एक्सपर्ट बताएंगे। ऐसे योगासनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुबह सुबह करने पर सेहतमंद रहा जा सकता है। ये आसन हर इंसान को एनर्जेटिक और पॉजिटिव बनाते हैं, सुस्ती दूर होती है और चुस्ती फुर्ती बढ़ती है। इसके लिए रोजाना महज 30 मिनट का समय निकालें। बालासन, ये आसन न केवल तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है बल्कि ये छाती, पीठ और कंधों के अलावा जांघों और एड़ियों को भी मजबूत रखता है, इसलिए ये फायदेमंद होता है। जिन्हें चक्कर और थकान ज्यादा होती है उनको इससे काफी लाभ मिलता है। त्रिकोणासन या त्रिभुज मुद्रा, इस आसन को करने से पूरे दिन एनर्जेटिक रहा जा सकता है। इस दौरान हमारे शरीर का आकार त्रिकोण यानी ट्रायंगल जैसा होता है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहा जाता है। ये आसन करने से आपकी गर्दन, पीठ, कमर और पांव मजबूत होते हैं। इससे शरीर का संतुलन भी ठीक होता है और एसिडिटी से छुटकारा मिलता है। धनुरासन, ये आसन पैर और बांह की मांसपेशियों को टोन रखने में मदद करता है। महिलाओं की सेहत के लिए ये ज्यादा फायदेमंद होता है। ये कब्ज से भी राहत दिलाने में मदद करता है। वीरभद्रासन, वीरभद्रासन एक योग मुद्रा है जिसे कंधों को मजबूत करने, संतुलन और स्थिरता में सुधार करने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये नाभि, कंधों, फेफड़ों, गले की मांसपेशियों और गर्दन पर खिंचाव देने में मददगार है, साथ ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। गरुड़ासन, इस आसन का सीधा सा मतलब है ईगल पोज। कहा जाता है कि यह आसन मन को शांत करने में मदद करता है और शरीर के संतुलन में भी सुधार करता है। ये योग विज्ञान का बहुत ही अहम आसन है। गरुड़ासन खड़े होकर किए जाने वाले प्रमुख आसनों में से एक है। गरुड़ासन के अभ्यास से गुर्दे को भी फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।